बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। आज हम लोग बनाएंगे जिंजर चिकन, जो हिंदी में नाम अदरक चिकन, यानी कि इंडियन स्टाइल में इंडो चाइनीज़ बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग ने अभी देखो चिकन कट कर दिया, उसमें हम लोग ने नमक डाल दिया और दो अंडा डाल दिए, और हम लोग इसमें क्या मालूम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे या क्रश डालो, पेपर डालो आपकी मर्ज़ी, पेपर डालोगे तो सही है, ज़्यादा बड़ा क्रश तो मुश्किल है, तो इस तरह डाल दो। डालने के बाद में हम लोग इसको चिकन जी घड़ी कट किए थे तो नमक वेनेगर से हम लोग सफाई किए थे, उस घड़ी नींबू डाल दिए थे हम लोग ने, तो हम लोग थोड़ा इसमें फ्लावर डाले, पॉपस फ्लावर जो मैदा बोलते हैं वो डाले, अभी उनके 50 ग्राम के या 100 ग्राम तक डाले हैं, और कॉर्नफ्लावर अभी डालेंगे इसमें। तो कॉर्नफ्लावर जितना मैदा डालोगे उसका यानी कि 75% तुमको कॉर्नफ्लावर डालना है क्रिस्पी के लिए। जब आप लोग क्रिस्पी नहीं करना चाहते तो मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ़िलहाल हम लोग इसको फ्राई करेंगे, मिक्स कर दिए हैं, पानी की ज़रूरत है उसमें, तो हम लोग अभी फ्राई करें। तो इसको हम लोग फ्राई करेंगे, तो इसको थोड़ा क्रिस्पी फ्राई करना है, और इसको सबको फ्राई करके निकाल देना है। आपको पूरा इजी तरीका है, घर में आप बना सकते हैं आराम से, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको पूरा फ्राई करके निकाल देना है। निकालने के बाद में इसको ऑयल निकल जाए तो रख देना है। रखने के बाद में हम लोग फिर उसमें सॉस का रेडी करेंगे। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग ऊपर से नहीं डालेंगे, तो इसलिए डायरेक्ट ही डाल दे रहा हूँ, तो इजी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम लोग डाल दिए, तो हम लोग इसमें सोया सॉस डालेंगे, और आप देख रहे हो कि हम लोग इसमें थोड़ा सोया सॉस डाले हैं, और हम लोग इसमें वेनेगर डाले हैं, ये दूसरी वाला भी सोया सॉस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पानी वाला। तो टू टाइप सोया सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग के पास वेस्टर सॉस है तो वेस्टर सॉस भी यूज कर सकते हो, या आपके पास में स्वीट सोया सॉस आता है जो थिक वाला होता है, वो भी यूज कर सकते हो आप इसमें। तो हम लोग इसमें वेनेगर डाल रहे हैं, जो ये अच्छा वेनेगर, अच्छा टेस्ट है, मैं शो करा दूंगा इंशाल्लाह उसका नाम। और क्योंकि हमको वेनेगर थोड़ा डालना है ज़्यादा करके, क्योंकि इसी में हम लोग को खट्टा और सोया, थोड़ा सवार और सोया का टेस्ट लाना है इसमें, तो और अदरक का टेस्ट रहेगा इसके अंदर में। तो ये हमारा हो गया, तो हम लोग इसमें थोड़ा से शुगर ऐड करेंगे, और टमाटो पेस्ट और पेपर, ब्लैक पेपर, इतने ही हम लोग को इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद में हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में हम लोग, ये ब्राउन शुगर है अब, तो हम लोग इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में इसको रख देंगे, तो फिर हम लोग तड़के की तरफ में जाएंगे, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ।
तो आपने देखा हम लोग सब डाल दिया इसमें जो जो आपको बताए, तो मिक्स कर दिए। तो इसके लिए हम लोग ऊपर से गाड़ने इसके लिए सिसमी सीड्स डालेंगे। तो हम लोग ने सिसमी सीड्स रोस्ट कर रहे हैं और इस तरह इसको गोल्डन कलर के टाइप का रोस्ट कर देना, कच्चा नहीं डालना चाहिए, और इसको अच्छे से रोस्ट कर देना। रोस्ट करने के बाद में निकाल देना ऊपर। जब आप खाना डाल पिकअप करने जाएंगे तो ऊपर उसके ऊपर में जिंजर जूनियन और फिर ये अपना जो स्प्रिंग ऑनियन कोरिएंडर और उसके बाद में ये सिसमी सीड्स गार्निश में देना। तो हम लोग जिंजर चॉप और गार्लिक चॉप कर लिए हैं इसके लिए। और जिंजर हम लोग दो टाइप किए हैं, चॉप भी किए हैं और जूनियन जिंजर भी किए हैं। जूनियन बोले तो लच्छा, तो हम लोग कोरिएंडर चॉप भी किए हैं और थोड़ा से हम लोग ऑनियन चॉप डालेंगे। लेकिन ऑनियन चॉप ना डाले तो कोई मुश्किल नहीं, ऑप्शन है, आप डाल सकते हो। नहीं चाहिए तो नहीं डालना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं डालना चाहिए, अच्छा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा ऑनियन डाल के बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह कोरिएंडर चॉप हो गया, रूट वाला कोरिएंडर चॉप होना चाहिए। तो हम लोग इसको पूरा तरीके से रेडी कर लिया है, इसमें कुछ और ऐड करने का हमको ज़रूरत नहीं है, कुछ और डालने का ज़रूरत नहीं है। जो आपको मैं वेनेगर बोला था, तो इस देख लो वेनेगर है, इसमें हम लोग ये वेनेगर तो आप सूसी में भी यूज़ कर सकते हो। और फिर हम लोग तड़का मारेंगे इंशाल्लाह। तो आप देख रहे हैं हम लोग सिसमी ऑयल यूज किए हैं, सिसमी ऑयल डाल दिए हैं और फिर हम लोग गार्लिक का यूज किए। तो हम लोग ने सिसमी ऑयल के अंदर में गार्लिक चॉप जिंजर चॉप दोनों को डाल दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग यानी कि जिंजर चिकन में जब चिकन फ्राई करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करते हैं, तो हम लोग ने नहीं ऐड किया। तो हम लोग इसमें ड्राई चिली डाल दिए हैं चार, जिंजर गार्लिक चॉप और ड्राई चिली है। आप इसमें चाहे तो कमल में सैलरी भी चॉप यूज कर सकते हो, तो हम लोग नहीं यूज किया है। तो हम लोग इसके जगह में थोड़ा सा प्याज यूज किया है, लेकिन प्याज ऑप्शन है, डाले तो ठीक है, नहीं डाले तो कोई मुश्किल नहीं, बैटर नहीं डालेगा तो और भी अच्छा है। तो ये इस तरह हो गया। उसके बाद में ये हम लोग को इसको 40% तक इसको पकाना है, ऑयल पे पकाना है। उसके बाद में हम लोग इसको पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद में पानी थोड़ा पकेगा अच्छे से, तो उसके बाद में हम लोग को इसको क्या करना है, जो सॉस हम लोग मिला के रखे थे मिलाए थे वो सॉस इसमें ऐड करना है। उसके बाद में सॉस जब भी हम लोग का हो जाएगा तो फिर पक जाएगा, तो हम लोग उसके बाद में उसको चिकन डालेंगे। और चिकन डालने के बाद में उसको ड्राई करेंगे थोड़ा, क्योंकि सेमी ड्राई होगा, क्योंकि एकदम ड्राई नहीं जाता जिंजर चिकन, थोड़ा सा यानी कि इसमें सॉसी टाइप रहता है, जूसी टाइप रहता है। तो इस तरह हम आप देख रहे हैं कि हम लोग इसमें पानी और सॉस दोनों ऐड कर दिए हैं और इसको अभी थोड़ा पकने देंगे, उसके बाद में हम लोग चिकन ऐड करेंगे। तो हमारा चिकन ऐड कर दिए हैं और सॉस टेस्ट भी कर दिए हैं, थोड़ा से जिंजर का ज़्यादा टेस्ट है और थोड़ा से वेनेगर और सोया सॉस का टेस्ट अच्छा है, यानी कि जिंजर चिकन प्रॉपर है। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छा है। ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
दोस्तों लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू देखने के लिए वीडियो, शुक्रिया।